दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश मिड फेडरेशन द्वारा तैयार की गई मिठाइयों की बिक्री हेतु सेरी बाजार में विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मंडी गुरदीप शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि आजकल त्योहारों के अवसर पर मिठाई की मांग अधिक होने के कारण इसमें मिलावट का अंदेशा बना रहता है। मिल्क फेडरेशन द्वारा शुद्ध देशी घी से तैयार की गई मिठाइयों का विक्रय केंद्र लोगों को राहत प्रदान करता है। जनता का भी फेडरेशन द्वारा विक्रय किए गए उत्पादों की शुद्धता पर विश्वास रहता है तथा अधिक संख्या में लोग इसको खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि मिल्क फेडरेशन वर्ष 2007 से विक्रय केंद्र स्थापित करता आ रहा है, जिसमें हर प्रकार की मिठाई उपलब्ध रहती है। मिल्क फेड ने अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करते हुए एक नया इन्होंने कंसेप्ट शुरू किया है मिठाई बनाना दिवाली के अवसर पे, और काफी 2007 से इन्होंने शुरू किया था, तो उसमें तो उससे मिल्क फेड की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। और उसके साथ साथ भी जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को शुद्ध मिठाइयाँ मिल रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, और लोगों का विश्वास भी है। और देखने में ये आया है कि इनकी मिठाइयाँ एकदम से आने पे ही एकदम से बिक जाती हैं, और मिल्क फेड को इस अवसर पर मैं इनको बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग भी इनका जो मिठाइयाँ हैं उनकी शुद्धता के कारण उसका लाभ उठाएंगे, और दिवाली पर सब जो है शुद्ध मिठाई खा पाएंगे। इसके साथ ही सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश पाठक, प्रबंधक फेडरेशन ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में चक्कर तथा सेरी बाजार मंडी के अतिरिक्त अधिकृत दूध द्वारा बनाई गई मिठाइयों का विक्रय किया जाता है। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट, नगर परिषद पार्षद के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस बार भी हिमाचल मिल्क फेड ने मंडी में शुद्ध देशी घी की मिठाइयों का स्टॉल लगाया है, जिसका उद्घाटन भी माननीय SP मंडी जी ने किया है। हम जो पूरी वैरायटी है, हर साल हम 14 वैरायटीज बनाते थे, इस साल हमने एक रोस्टेड चना बर्फी और एक नई वैरायटी इसके अंदर ऐड की है, और जो मिल्क फेड एक शुद्धता का जो प्रतीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमारे को इसमें। और इस बार हमने जो अपनी प्रोडक्शन है वो भी मतलब करीब 100 क्विंटल बढ़ा के कोई 400 क्विंटल के करीब हम पूरे प्रदेश के अंदर इसको हम वितरित कर रहे हैं।